तो गाइस अभी है हम धर्मपथ मार्ग पर, जो यहाँ भगवान सूर्य की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है और मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, आगे का आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए भगवान सूर्य की कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। ये देखिए क्या बात है, गेट भी बन गया है और इसको बोलते हैं धर्मपथ मार्ग। तो आप यहाँ से देखिए, ये है अपना लखनऊ और गोरखपुर हाईवे और हम हैं धर्मपथ मार्ग पर। कितनी विशाल रूप से ये प्रतिमा बनाई गई है और मैं आपको ये दिखाता हूँ। रात को अलग ही नज़ारा रहता है, कोशिश करेंगे रात को आने की और दिखाएंगे सब। देखो सिक्योरिटी के कितने बड़े इंतज़ाम कर रखे हैं, पूरी तरफ चारों तरफ देखिए सिक्योरिटी लगाई गई है। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको। देखिए गाइस ये है भगवान सूर्य के, सूर्य को यहाँ प्रदर्शित कर दिया गया है इन पिलरों में। यहाँ लाइट जलती हैं, बहुत अच्छी वाइब आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको शाम को भी दिखाया जाए। तो भगवान सूर्य को एक बार नमस्कार। और आप ये देखिए, ये है यहाँ की वाइब, कितना अच्छा लग रहा है। आप देखिए पिलरों पे भगवान सूर्य को प्रदर्शित कर दिया गया है और ये रात को लाइटिंग के कारण सूर्य की तरह चमकते हैं। तो इस एरिया को और इस जगह को हम लोगों ने और यहाँ के अयोध्या वासियों ने सिर आंखों पे लेके इस रोड का निर्माण करवाया और इनका सहयोग भी बहुत रहा। तो गाइस कुछ आप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा। तो कैसा लग रहा है आपको ये मेरा वीडियो? आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलते हैं आगे और आपको इंटरेस्टेड चीज़ दिखाने वाला हूँ और आगे भी चलते हैं। कार्यशाला भी चल रहे हैं, दोबारा एक और कार्यशाला है यहाँ पे, उसको भी आपको विजिट कराएंगे। तो गाइस ये देखिए आप यहाँ का धर्मपथ मार्ग जो अभी बनकर बिल्कुल रेडी है, लोग अभी भी काम कर रहे हैं, शायद लाइटिंग का काम चल रहा है। तो अभी दो दिन और बाकी हैं, 22 को कैसा लगेगा गाइस? आप जो अयोध्या से मेरा वीडियो देख रहा है तो आप बताइएगा कि इस रोड में जो ये रोड का निर्माण हुआ है और इन पिलरों का निर्माण हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने कितना समय लगा और कितना खर्चा आया। देखो ये जगह जगह यहाँ ये मूर्तियों को और ये पेंटिंग्स को यहाँ पे उकेर कर बहुत अच्छे डिजाइन से ये लोगों ने यहाँ मूर्तियों को बनाया है। यहाँ देखिए भजन और आनंद में अयोध्या हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। देखिए राम उत्सव में आए भगवान राम जी कितने सुंदर और प्रिय परशुराम को प्रदर्शित किया जब गुस्से में धनुष को तोड़ दिया था। ये अयोध्या में प्रवेश होते हुए की तस्वीर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है गाइस। ये देखिए हर जगह होर्डिंगों से पटा दिया है पूरे अयोध्या को स्वागत के लिए। ये देखिए आई थिंक ये तस्वीर वो है जो दुर्योधन ने द्रौपदी जी का चीरहरण किया था, उनका गाड़ी को खींचा था। देखिए सेंट्रल से भी फोर्स आई हुई है, काफ़ी फोर्स है। ये केकई को रंग में सोई हुई गुस्सा में जो तीन वर मांगे थे उसको भी प्रदर्शित किया गया है। टेम्परेचर हो गया थोड़ा सा ज़्यादा,
मतलब 10 से और 15 के बीच में टेम्परेचर होगा। ब्लॉगिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए पूरी तरह अयोध्या धाम को सजा दिया गया है। अभी हम धर्मपथ मार्ग पर और ये है यहाँ का व्यू। तो गाइस आगे चलते हैं और सब कुछ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। आगे भी चल रहे हैं हम लोग, सरयू भी चलेंगे, सरयू के घाट पे भी चलना है और आगे बीना चौक पे भी चलेंगे। तो जो सेल्फी पॉइंट आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे पीएम साहब ने वहाँ सेल्फी भी खींची थी, तो अब भी हम भी सेल्फी लेते हैं वहाँ। ये देखिए रेलवे ब्रिज है ये, और कितना सजावट के कारण कितना अच्छा लग रहा है गाइस। आप देखिए तो एक बार जोर से मेरे साथ नारा भी तो लगाइए गाइस, बोले जोर से बोलो जय सियाराम। आज पैदल ही पूरा एक्सप्लोर करा रहा हूँ मैं आपको अयोध्या को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाइस। अभी हम लगभग 1 किलोमीटर चल के आ गए हैं वहाँ से और अभी आगे की ओर चलते हैं। देखिए गाइस सीता मैया अपनी मुद्रा यानी अंगूठी को उतार के केवट को दे रही हैं और वो हाथ जोड़ कर मना कर रहे हैं। ये भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी। देखिए यहाँ रामलीला का भी आयोजन हो रहा है, मंचन हो रहा है। आगे देखिए ये स्टेज और ये सजा दिया है। और ये देखिए रामघाट रेलवे स्टेशन आप देख पा रहे हैं कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है। आप देखिए वहाँ से शुरू होता है रेलवे स्टेशन। देखिए इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट हो गई है अयोध्या में गाइस। तो गाइस देखिए अभी आ गए हम बैकुंठ धाम चौक पर और ये है यहाँ का व्यू। देखिए कितने ट्रक भर भर के यहाँ पे फूल रहा है। तो देखिए गाइस कितना बड़ा जूम, और आप ये देख पा रहे हो ये फूलों की सजावट के लिए, भगवान राम की सजावट के लिए ट्रक भर भर के फूल आ रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं पंचवटी आश्रय स्थल में है, क्वांटिटी में यहाँ पे आ रहा है। तो गाइस यहाँ देखिए पंचवटी आश्रय पूरा डेकोरेट कर रखा है और भगवान राम में राममय हो गया है। तो जय श्री राम बोलिए और एक बार भगवान श्री राम के चरण पादुकाओं के भी दर्शन कर लीजिए गाइस। तो ये है गाइस यहाँ भगवान राम की चरण पादुकाएं। तो गाइस ये देखिए आप यहाँ का डोमेट्री कितने बड़े लेवल पर यहाँ पे बनाई गई है। डोमेट्री 4, 5, 2, 1 तो यहाँ लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था है। मैं दिखाने में जाऊँगा तो ये 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में है, तो मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। इस तरह सारी डोमेट्री भी है और इधर भी हैं। तो ये देखिए जो भगवान राम की कलश यात्रा, जो कलश आए हैं ये महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और ये महंत हरगिरी महाराज जी और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से ये लोग आए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से कलश आए हुए हैं। ये देखिए कितना प्यारा धनुष लग रहा है गाइस। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो गाइस अभी हैं हम हनुमान घाट चौक पर और इसको बैकुंठ धाम चौक भी बोला जाता है। तो ये देखिए यहाँ का सिक्योरिटी के लिए कितने बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं, चारों तरफ फोर्स लगा दी गई है। और आप इधर जाएंगे तो आप चले जाएंगे हनुमान गढ़ी की तरफ, और आप इधर जाएंगे तो आप चले जाएंगे शमशान घाट, और इधर है जो नया घाट जो बना है। तो गाइस चलते हैं नए घाट की तरफ। सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ गाड़ियों को बिना एंट्री के ये लोग नहीं प्रवेश करने ये टाइम नाव का, और ये है एक घाटा भी। तो चलते हैं आगे की ओर और शुरुआत करते हैं एक और नई जर्नी की। आप हैं अयोध्या में और मैं आपको वर्चुअल रूप से पूरा यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ, आप राममय हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। तो गाइस ये देखिए यहाँ से हम धर्मपथ मार्ग पर चल रहे हैं और ये है यहाँ का
सारी तरफ सजावट होर्डिंगों से पूरा अयोध्या पट गया है, पूरा राममय हो गया है अयोध्या। आप देखिए हम चल रहे हैं न्यू घाट की तरफ, तो यहाँ भी देखिए ये सर्कल जो आ रहा है इसको लता मंगेशकर चौक के नाम से अभी प्रसिद्ध कर दिया गया है, और यहाँ पर बहुत बड़ी अपनी प्रतिमा भी लगा दी गई है वीणा वादनी की। आप देख पा रहे हैं ये देखिए सूर्य भगवान की तस्वीरों को उकेर दिया है पिलरों के ऊपर, यहाँ लाइटिंग में ये सूर्य की तरह चमकती हैं। तो ये है यहाँ का कुछ ऐसा व्यू, सेल्फी पॉइंट बन गया है गाइस। अभी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी यहाँ सेल्फी खींचकर इसका इनॉर्गल किया था। तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मैं नए ब्लॉग में मिलता हूँ आपसे।